ग्राम डोंगर चिचली के युवक राहुल पिता लक्ष्मण जाति बारला उम्र 21 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जहां उसका उपचार किया गया, पर अचानक 28 तारीख को रात्रि 2 बजे युवक की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। जहां युवक के भाई राकेश और दिलीप एवं आसपास के रहवासियों द्वारा युवक को फांसी के फंदे पर झूलते देखकर तुरंत युवक को फांसी से उतारकर खरगोन जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से जिला अस्पताल में युवक की हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल द्वारा युवक को इंदौर MY अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार किया गया। युवक की हालत में सुधार देख परिजनों द्वारा अस्पताल से छुट्टी करवाकर खरगोन प्राइवेट विराज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 दिन तक उपचार चलने के बाद युवक की हालत में सुधार देख परिजनों द्वारा अस्पताल से छुट्टी करवाकर अपने गांव डोंगर चिचली खेड़ा फालिया लेकर आए, जहां अचानक 28 तारीख को रात्रि 2 बजे युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और हाँ? इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, क्या मामला था? आज थाने पे गांव के सरपंच के साथ में मृतक राहुल के भाई राकेश पिता लक्ष्मण जाति बारेला 18 वर्ष निवासी खेड़ा मोहल्ला डोंगर चिचली का रात में मृत्यु होना बताया और आज मर्ग कायम होकर थाने पे गुम वो मर्ग क्रमांक 40 पर मर्ग कायम कर जांच में लेकर PM करवाने हेतु डोंगर चिचली गए। वहां से लाश लेकर PM अस्पताल कराने डॉक्टर साहब को फार्म देकर PM करवा रहे। क्या नाम है आपका? प्रधान आरक्षक 604 शुक्ला लोहासकले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।